जी बताएं आपको शेर दिलचस्पी है हाँ देख सुनाया सुनाया शु, तो था शेर वो था। वही मेरा हाँ। आवाज हो गए बिल्कुल नहीं बल्कि एक बात एक सीक्रेट बता तो अक्सर ड्रामों में जब भी मुझे स्क्रिप्ट भेजी जाती है तो मैं स्क्रिप्ट इसीलिए मंगवाती डिटेल में पढ़ने के लिए एक तो ऑब्वियसली क्योंकि कैरेक्टर वगैरह कहीं ये शायरी वाली पढ़ी लिखी खातून तो नहीं है अच्छा यानी कि आपको लगता है वो वो एक्ट ना कर पाएंगी नहीं वो मुझे नहीं शेर पढ़ना आता कभी होता है कि लोग आपको शेर सुनाते तो हैं इंप्रेस करने के लिए हाँ लोगों ने शुरू शुरू में कोशिश की थी फिर जब पर्सनैलिटी खुल के सामने आई मेरी तो फिर सब ने कहा के आप मुझे मीम्स भेजते हैं लोग मीम्स अच्छा मीम्स आपको भेजते हैं तो आपको वैसे शेर शायरी नहीं आपको

तो वो चीजें कुछ कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे आसान कर दिया आपने उसको थोड़ा सा जो जो है मैंने कोशिश की की कि कि यार वो बात की जाए जो बच्चों को को या लड़कों लड़कियों समझ आती है तो ये तो आपने जब शेरशा का आगाज किया जी तो तब आपने ऐसी शीरोशारी तो शीरोशारी की हाँ उधर भी मैं बात कर लिया जी जी प्लीज इन्होंने कहा कि मोहब्बत प्यार वगैरह होने से पहले शायरी शुरू की तो तब ये सपोर्ट में थे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोहब्बत के बाद जो शायरी हुई आप क्या इस बात पे कायम रहे कि रहेन को बुरा नहीं कहना और ये नहीं करना और वो हाँ। नहीं करना हाँ। मैं वो आदमी हूँ सबसे ज्यादा इस बात को लिखा है की तुम उसका हाथ झटक कर ये क्यों नहीं कहती तो जानवर है जो औरत पे हाथ उठाता है तो मैंने कुछ चीजें भी एड्रेस की तो मैंने ये चीज जानी कि यार ये बहुत अजीब चीजें हो रही हैं तो उसको थोड़ा सा लाइट मूड में आना चाहिए जो हमारी नौजवान नस्ल है जिन्होंने शायर का तस्वर हमेशा पी टी वी पर में देखा है अब शायर स्टार है अब वो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है लोग उससे प्यार करते हैं उसको फॉलो करते हैं ये सब चीज़ें उसके बाद शुरू हुई तो अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग जब टिकटॉक देख लें आप

लेकिन मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत आसान इंसान हूँ टू लिव विथ जी जी प्लीज तो मैं यकीनन, हर साल कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करती हूँ जिसमें फैसल जबरदस्ती सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें की कीता है <laughs> तो एक रिमाइंडर देना जरूरी होता है बट दैट लोग बर्थडे को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं आई आई लव सेलिब्रेटिंग नो वेडिंग एनिवर्सरीज हमेशा गए डिनर किया बच्चे भी साथ टे हुए हैं कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं और वो ओके okay. मुझे ये होता है कि कुछ तमाशा लगाना चाहिए पॉइंट so, इज और देखिए शादी का आगाज़ क्या होता है फंक्शन ये वो वट जिंदगी में जितने मौके मिले उनको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे ख्याल से सो द पॉइंट इज एज अ फैमिली हम लोग हर चीज सेलिब्रेट करते हैं मेरा मुझे ज्यादा शौक है हर चीज को सेलिब्रेट करने का फैसल जो है वो जरा आखिरी जो आपकी यूनिवर्सिटी थी उस पर आपने क्या किया था फैसल के दफ्तर के बाहर पहुंच गई बग्गी में दो वालनेस को बिठा के डोल वाला ढोल ढोल वाले आपने दो वाला पिछले साल था इस में और, आप प्लेयर्स ला साथ अच्छा। और किस तरह उस गली के अंदर हम घुसे वो एक और कहानी है कभी बगी वाले को इस तरह करे फिर वो इतनी नाजुक सी इतनी सी गली है वो बड़ी मुश्किल से हम घुस के वहां पे पहुंचे अच्छा फैसल तो बाहर आया और फिर से फिर पकड़ लिया कि अब इसने क्या हरकत की है। <laughs> लास्ट टाइम उसके ऑफिस के अंदर घुस गए थे डोल वाले लेके एवरी वन थिंग्स के वो मेरा घर था मेरे मियाँ माशाला एक बहुत बड़े वकील उसके जो, जो बच्चे अंडर काम करते हैं जो बाकी उनको लगता है, कि ये बड़े कुछ सीरियस लोग है।, है भी लेकिन मैं सीरियसनेस को ना थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती हूं बग्गी में बैठा के उसको फेरा भी लगाया अच्छा आपने वकील साहब को बग्घी बिठा दिया दफ्तर के दरमियान में फिराया भी ये दौरा आपको साल में सिर्फ एक बार पड़ता है या मिलता है उसमें मैं तो मौके बना लेती हूं कर दे है या कोड़े के अंदर एक और जिदत आई आपकी और एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए वो मोहब्बत कामयाब हुई या हादसे का शिकार हो गई यार मोहब्बत वासे भाई कामयाबी और नागामी के सीन से अलग है मोहब्बत जिस वक्त आपको किसी के लिए फील हुई है आप कामयाब हो गए नाकामी और कामयाबी के जो तो चाहिए से है मसला वहां होता है कि मुझे ये बंदा चाहिए ठीक है तो चाहिए का सिलसिला मोहब्बत में नहीं है सर नहीं मगर तो अली, उस वक्त जब आपको हुई होगी फर्स्ट टाइम उस वक्त आपकी एज ये नहीं होगी थॉट्स मिच्योर उतनी नहीं होती इंसान की तो उस वक्त कभी ये चाहिए आपको लगता है कि ये में ये में एंड रिजल्ट रिजल्ट वाला चाहिए बिल्कुल था और वो वो जब जाहरी बात है वो खत्म हुआ है तो उसके बाद फिर चीजें मेरे लिए बहुत ये सवाल हमेशा मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता है मुझे लगता है कि शायद लोगों के लिए ये बात अजीब हो या लोग इंटरेस्टेड हो इसमें लेकिन मोहब्बत मेरे लिए एक बहुत स्पिरिचुअल मामला है मेरा इसके साथ मुझे लगता है कि ये आपको ग्रो करती है या आपको अंदर से अगर मेच्योर नहीं कर रही ग्रो नहीं कर रही है ना

आपको इतना बड़ा खजाना ऑफ इमोशंस ना मिल पाता जो आपको मिला मैं उसके सर बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ इसीलिए मैं दुख को नेमत मानता हूँ दुख जो है वो वैसे ही नेमत है मेरा पंजाबी का शेर है कि दुख रहना है सुख नहीं रहना दुख दे नाल बना के रख ओके वेले का आवन हंजू यार बचा के रख हाय 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 हाय